वेलकम डियर ऑकर्ड्स। इस मूवी की शुरुआत में हीरो अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से देता है, हाय मैं एक पोकेमोन हूँ और सबसे पहले अपना पूरा फ्लैशबैक बताना चाहता हूँ। इस स्लाइम में जिसे पानी में भिगो कर रखा हुआ है, इसका नाम म्यूटू है। ये बहुत ही पुराने जमाने का पोकेमोन है जिस पर रिसर्च की जा रही थी, लेकिन एक दिन वह बच निकला और लैब से निकलती हुई एक कार को उसने अटैक कर दिया। और यह टीम उस वक्त दुनिया बहुत ही बदली हुई थी और हर किसी के पास अपना खुद का एक पोकेमोन था, लेकिन टीम ऐसा अकेला आदमी था जिसके पास अपना पोकेमोन नहीं था और वो सिंगल ही घुमा करता था। उसके पास ना तो गर्लफ्रेंड थी और ना ही पोकेमोन, इस वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत ही रोता रहा, लेकिन बाहर ऐसे दिखाता था जैसे कि वो बिना गर्लफ्रेंड और पोकेमोन के भी बहुत ही खुश है। तब उसे एक कॉल आया कि उसके पापा मर गए हैं और पहले सीन में म्यूटो ने जिस कार का एक्सीडेंट करवाया था उसमें टीम के पापा हैरी थे। इस बारे में पता लगाने टीम रैम सिटी पहुंचा। रैम सिटी को हॉवर्ड क्लिफोर्ड ने क्रिएट किया था। हॉवर्ड को बहुत ही बुरी बीमारी थी जिसके इलाज के लिए वो दुनिया भर में घूमा करता था। तभी उसने कई पोकेमोन्स का पता लगाया और इसके बाद लोग पोकेमोन का शिकार करने लगे और उनको अपना गुलाम बनाकर रखा। लेकिन हॉवर्ड ने एक ऐसी सिटी बनाई जहां इंसान और पोकेमोन मिलजुल कर रहा करते थे, कोई किसी का गुलाम नहीं था, और इस पीसफुल सिटी का नाम रैम रखा गया। रैम सिटी में पहुंचकर टीम अपने पापा की फ्रेंड डिटेक्टिव योशिदा से मिला। योशिदा हैरी की मौत से बहुत ही दुखी थी, पर टीम के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। दरअसल हैरी उसे बचपन में ही छोड़कर यहाँ आ गया और टीम को हैरी से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उसने कहा कि मुझे आपकी बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे उनके फ्लैट से कुछ चीजें लेनी है और आज यहाँ से जाना है। फिर चाबी लेकर वो हैरी के अपार्टमेंट में पहुंचा। वहां उसे लूसी नाम की रिपोर्टर मिली जो हैरी से मिलने आई थी, लेकिन टीम ने कुछ उल्टा सीधा कहकर उसको वहां से भेज दिया। और फिर फ्लैट में टीम को हैरी का एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि बेटा तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते, मैं तुमको बहुत मिस करता हूं। लेकिन इस बात से बेखबर टीम इतने साल अपने पापा से नफरत करता रहा और वहां की चीजें बटोर कर जाने के बजाय उसने एक शीशी खोल दी और एक गैस फैलने लगी और गैस स्मेल करके सारे पोकेमोन्स बंदर बनने लगे। इतना ही नहीं, टीम ने भी गैस को स्मेल कर लिया था। यारो इतनी देर से मैं अपना फ्लैशबैक सुना रहा हूँ लेकिन मेरा नाम तो पूछा ही नहीं आपने, चलो मैं बता ही देता हूँ। लो, लेकिन ये पागल टीम मेरी परछाई को देखकर कितना डर रहा है, इसका मैं क्या करूँ। अब मैं सामने आता हूँ, टैन टैन, मैं हूँ पिकाचू। दरअसल पोकेमोन की भाषा इंसान समझ नहीं सकते, लेकिन टीम मेरी बात को समझ रहा था। शायद उसने कुछ ज्यादा ही गैस सूंघ ली थी। उसने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे इस छोटे फ्लैशबैक के अलावा कुछ भी याद नहीं है। मैंने सोचा कि टीम मेरी मदद करेगा, लेकिन सारे बंदर मिलकर टीम पर झपट पड़े। फाइट बहुत ही मस्त थी इसलिए मैं तमाशा देखने बैठ गया, लेकिन बंदर के बच्चे मुझे भी चेस करने लगे। फिर हम दोनों बंदरों से बचकर बहुत ही आगे भाग गए थे, लेकिन बंदरों ने पकड़ लिया और टीम के कपड़े फाड़ दिए। अब कुछ देर में गैस का असर भी खत्म हो गया और बंदर फिर से पोकेमोन बन गए, लेकिन अब भी टीम को अकल नहीं आई और पूरी सिटी में ढिंढोरा पीट रहा था कि ये पिकाचू बोलता है। और फिर मैंने समझाया कि ओए सुन टीम, मेरी बातें सिर्फ तुम्हें सुनाई दे रही है, दूसरा कोई भी मुझे नहीं सुन सकता, इसीलिए अकल से काम लो और चलो यहाँ से। तब उसने पूछा कि तुम मेरे पापा के फ्लैट में क्या कर रहे थे। अरे तुम हैरी के बेटे हो, पहले बताना था ना, एक्चुअली मैं हैरी का पार्टनर हूँ, ये देखो मेरे कैप में हैरी का नाम लिखा हुआ है। मुझे यकीन है कि हैरी को कुछ नहीं हुआ। मैं इतना इमोशनल होकर डायलॉग बोल रहा था, लेकिन ये गधा अचानक फोन उठाकर बात करने लगा। वो बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा था ताकि मुझे सुनाई ना पड़े। फिर मैंने कहा ध्यान से सुन लो टीम, शायद मैं और हैरी पार्टनर्स थे, लेकिन मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। अगर हैरी मिल जाए तो मेरी मेमोरी भी वापस आ सकती है, चलो हम दोनों मिलकर हैरी को ढूंढते हैं। लेकिन ये सरफिरा मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और फिर कहने लगा कि हैरी तो मर गया है। क्या, हैरी मर गया है, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि उसे पुलिस ने बताया है। और मुझे हंसी आ गई कि पुलिस तो झूठ भी बोल सकती है। क्या तुमने पुलिस की रिपोर्ट देखी, क्या तुमने हैरी की लाश देखी? इस पर उसका चेहरा एकदम से बदल गया। कम से कम अब तो मुझ जैसे सीनियर की बात सुनो, अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरा पार्टनर यानी तुम्हारे पापा भी जिंदा होंगे। और तब उसका चेहरा खिल गया और उसने कहा कि इस जगह पर हम कल मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। अब ये कहकर हम दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो टीम भी वहां आ गया। ओ सॉरी, ये तुम्हारे पापा का भी तो घर है। हैरी का बेटा होने के नाते तुम जमीन पर सो जाओ और मैं बेड पर सो जाता हूँ, ये कहकर मैं सो गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। सारी रात हैरी के बारे में क्ल्यू ढूंढते ढूंढते मैंने सारे घर को तहस नहस कर दिया, लेकिन ये लेजी फेलो खराटे मार मार कर सो रहा था और ऊपर से सुबह उठकर मुझसे सवाल करने लगा। और मैंने भी कह दिया कि मैं और हैरी को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और अगर उसकी एक भी बात मुझे याद आ जाए तो बाकी गुत्थी मैं खुद ही सुलझा लूंगा, इसलिए सारी रात मैं क्ल्यू ढूंढ रहा था। तब जाकर मुझे ये शीशी मिली, इसके अंदर की गैस यहाँ के पोकेमोन्स बंदर बन गए। इसी तरह के और भी क्ल्यूज इस घर में है, हमारा काम सिर्फ उन्हें ढूंढा है। तब टीम ने न्यूज़पेपर देखकर बताया कि वो लूसी नाम की रिपोर्टर को जानता है जो हैरी को अच्छी तरह जानती है। अब ये कहकर वो मुझको सिटी के क्रिएटर हॉवर्ड की मीडिया कंपनी में लेके गया। यहीं रिपोर्टर लूसी काम करती है। हॉवर्ड अपने बेटे रॉजर के साथ मिलकर सिटी में वीकेंड परेड की व्यवस्था कर रहा था।
मुझे लगा कि बेटा बाप की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता और जल्द जल्द कंपनी को अपने हाथ में लेना चाहता है। तब लूसी आई, अरे ये कोई रिपोर्टर विपोर्टर नहीं, सिर्फ एक ट्रेनी है। हमारे शीशे देखकर वो हमको एक जगह लेके गई जहाँ कई सारी शीशियाँ थी। उसने बताया कि हैरी का एक इन्फॉर्मर हार्बर में था और उसी ने ये शीशियाँ यहाँ दी। उसे चेतावनी दी कि रात को उस हार्बर में जाना रिस्की है, लेकिन हम भी वो हैं जो अंधेरे में उजाला फैला देते हैं, इसलिए हम रात को हार्बर चले गए। वहाँ मिस्टर मेमे नाम का पोकेमोन था जिसे माइनिंग करने का शौक था। लगता है वो मुझको देखकर डर गया, शायद वो मुझे और मेरे पार्टनर हैरी को जानता था। और फिर मैंने टीम को एक कोने में चुपचाप बैठने को कहा और सिंघम की तरह दहाड़कर मिमी से पूछा कि हमारे डिटेक्टिव हैरी कहाँ है। लेकिन वो मिमी की भाषा में भरतनाट्यम जैसा कुछ करने लगा जो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। फिर टीम ने ट्रांसलेट करके बताया कि वो नहीं बताना चाहता। अब टीम उसके झूठ मूठ के घर के अंदर गया और उस पर पेट्रोल डालकर जलाने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन उसने बुझाने की एक्टिंग की। हाय मेरी फूटी किस्मत, ये मिमी तो एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं करता। लेकिन आखिर में उसकी मदद से हमको एक फाइट क्लब का एड्रेस मिला। वहाँ पोकेमोन्स बैटिंग करके फाइट कर रहे थे और एक खाली चश्मिश हमको देखकर चली गई। तब क्लब का मैनेजर आकर गुस्से में मुझसे रिमैच करने की बात करने लगा। जरूर मैंने और हैरी ने कभी इसकी पिटाई की थी और शायद मैंने फाइट करके बैट भी जीत ली थी। आखिर में पोकेमोन्स का सिंघम जो ठहरा, पर टीम ने मुझे सचमुच का सिंघम समझकर फाइट में मेरा नाम दे दिया। फिर क्या, मुझे बकरे की तरह एक बड़े ड्रैगन के सामने खड़ा कर दिया गया और ऊपर से उस ड्रैगन को शीशे की गैस भी सुंगा दी। और अब न जाने ड्रैगन किस चीज में बदल जाएगा। लेकिन हिम्मत करके मैंने उससे फाइट शुरू की और टीम मेरी मदद के लिए रिंग के अंदर आ गया। तब क्लब का मैनेजर न जाने कहां से कूद पड़ा और उसकी सारी शीशियां टूट गई और उसकी गैस भी पूरी जगह में फैल गई और सारे पोकेमोन्स बिल्कुल पागल हो गए। हम तो जान बचाकर वहां से भागे लेकिन पुलिस के हाथ लग गए। फिर भी हमको उनके चीफ यानी हैरी के फ्रेंड योशिदा के पास लेके गए। हमने उसे समझाना चाहा कि हैरी जिंदा है, उसे प्लीज ढूंढो, लेकिन उसने हमें एक्सीडेंट का फुटेज दिखाया। हाँ यार, इतने खतरनाक एक्सीडेंट से कौन बच सकता है, ये सोचकर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया। मेरा तो दिल ही बैठ गया था कि मेरा पार्टनर मर गया है और मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। मेरी छोड़ो, इस टीम का क्या होगा, बेचारा बचपन से ही पापा से दूर रहा और अब उसके पापा भी नहीं है। और तब मेरे डार्लिंग टीम ने दिल को छू देने वाली बात कही कि मेरे पापा तो नहीं रहे, कम से कम तुम्हारी मेमोरी को तो हम वापस ला ही सकते हैं। और तब काले चश्मिश वहां पर आई और हमें हॉवर्ड क्लिफोर्ड के पास लगे गई और हॉवर्ड ने हमें बताया कि उसी के कहने पर हैरी एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। केस कुछ ऐसा था कि एक और मैं इंसान और पोकेमोन्स की फ्रेंडशिप के लिए मेहनत कर रहा था और दूसरी और मेरा बेटा रोजर एक लैब में पोकेमोन्स पर रिसर्च कर रहा था। वो पोकेमोन्स को पकड़कर उन्हें बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट्स बनाने की कोशिश में लगा हुआ था और उसकी रिसर्च के बारे में पता लगाने के काम मैंने हैरी को दे दिया था, पर वो उसे पूरा नहीं कर सका। अब वो काम आप दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन टीम ने कह दिया कि जब मेरे पापा ही नहीं रहे तो मैं ये केस क्यों लूं? पर हॉवर्ड ने कहा कि हैरी मरा नहीं है। और इस पर तो हम दोनों चौंकी गए। हॉवर्ड के पास पुलिस से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी और उसने हमें एक्सीडेंट स्पॉट की एक ऐसी बारीक बारीक चीजें दिखाई कि पूछिए मत। उसने होलोग्राम के जरिए हमें दिखाया कि उस वक्त मैं हैरी के साथ था और उसे बचाने की कोशिश भी कर रहा था। तब वहाँ मीटू नाम का पोकेमोन आया जो दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन है। दरअसल मीटू कई सौ साल पहले ही मिट गया था, लेकिन उसके पुराने डीएनए से ये नया और खतरनाक म्यूटेंट तैयार कर दिया गया। तब उस म्यूटू ने अपने पावर से मेरी मेमोरी मिटा दी। लेकिन उसने मेरी मेमोरी क्यों उठाई और ऊपर से वह हैरी को क्यों उठा के लेके गया? अब हॉवर्ड ने कहा कि तुम्हें म्यूटू का पता लगाकर अपने पापा को बचाना होगा। हैरी को बचाने का यही लास्ट चांस था। और फिर टीम ने लूसी से मिलने का सुझाव दिया और हम एक रेस्टोरेंट में गए, पर वो हमारे साथ बैठने की बजाय दूसरी टेबल पर बैठ गई ताकि हम पर कोई शक न करे। ये कुछ ज्यादा ही बिल्डअप कर रही थी, हम इतने बड़े स्पाइस तो थे नहीं कि इस तरह फिल्मी स्टाइल में मिले। लेकिन मेरी डांट सुनकर वो चुपचाप आकर साथ में बैठ गई। उसने रोजर का लैपटॉप हैक कर लिया था और उसकी लैब की सारी डिटेल्स हमको दे दी। फिर वो खुद अपनी कार में हमें लैब में लेके गई और न जाने टीम को लूसी में क्या नजर आया, जनाब तो उसको दिली दे बैठे। मैंने साफ कह दिया कि बेटा खुश रहना चाहते हो तो सिंगल ही रहो, मिंगल मत करो। अब काम की बात करें, लैब का सेटअप देखकर मुझे तो सुसुई आ गई, लेकिन अच्छा हुआ टीम मुझे उठाकर चल रहा था और फर्श गंदा होने से बच गया। यहाँ नॉर्मल पोकेमोन्स को म्यूटेंट्स में बदला जाता है। और फिर हमने टॉर्टेरा नाम का एक पोकेमोन देखा जो जंगलों में रहता है, इसे भी यहाँ म्यूटेट किया जा रहा था। फिर हम लोग अलग हुए, लेकिन सिक्योरिटी कैमराज हमको रिकॉर्ड कर चुके थे और ये जानकर रोजर अपनी फोर्स को लेकर लैब की ओर आ रहा था। उसने यहाँ कई पोकेमोन्स को खोल दिया, पर इस बात से बेखबर हम वहाँ के होलोग्राम्स को प्ले करने लगे। और तब हमें पता चला कि म्यूटो के जरिए ही उस गैस को तैयार किया जाता है जिसको सुनकर सारे पोकेमोन्स पागल हो जाते हैं। म्यूटो को कंट्रोल करने का एक न्यूरोलॉजिकल रिमोट भी बनाया गया है जिसे हेलमेट की तरह पहना जा सकता है, लेकिन इस रिमोट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई और इस वजह से म्यूटो लैब से बच निकला। यही मैंने आपको फ्लैशबैक में दिखाया था। टीम ने पूछा कि इस म्यूटो का डीएनए रोजर को कैसे मिला
और ये जानने के लिए हमने होलोग्राम को रिवाइंड करना शुरू कर दिया। हमने देखा कि मैंने और हैरी ने ही म्यूटो को पकड़ा और उसको लैब में लेके गए। टीम को लगा कि मैं और हैरी बुरा काम कर रहे थे, लेकिन मैंने समझाया कि शायद मेरी तरह हैरी की मेमोरी भी मिटा दी गई हो। हैरी कभी भी बुरा काम नहीं कर सकता। फिर लैब से बाहर आते वक्त वहाँ की म्यूटेटेड पोकेमॉन्स ने लूसी को पकड़ लिया, लेकिन किसी तरह हम बाहर बचकर आए तो जगह हिलने लगी और हम सब तूफान में उड़ने लगे। लगता है भूकंप आ गया था, लेकिन बाद में पता चला कि ना तो वो पहाड़ है और ना ही जंगल। वो उस लैब में बनाया गया एक बड़े साइज का टॉर्टेरा पोकेमॉन है जिस पर जंगल बना हुआ है। और तभी एक बड़ा पत्थर मुझ पर गिरा और मैं बिल्कुल ही पागल हो गया। पर दर्द बेचारे टीम को हो रहा था। मेरे पापा मुझको अकेले छोड़कर चले गए, लेकिन तुम नहीं जा सकते, ये कहकर वो हीलर पोकेमॉन से मदद मांग रहा था। तब लूसी ने उसे बताया कि तुम्हारी बात सिर्फ पिकाचू सुन सकता है, दूसरे पोकेमॉन्स नहीं। लेकिन इंसानियत नाम की भी, मेरा मतलब पोकेमॉनियत नाम की भी कोई चीज होती है। बाकी पोकेमॉन्स हमें एक जगह लेके गए और शॉकिंग बात ये थी कि वहाँ म्यूटो था। म्यूटो ने मुझसे कहा कि टीम को यहाँ लाने के लिए बहुत ही शुक्रिया। और तब मुझे समझ आया कि टीम को यहाँ लाने के लिए ही म्यूटो ने मेरी मेमोरी मिटाई थी। लेकिन अचानक रॉजर के आदमी वहाँ पहुँच गए और म्यूटो को बांध कर लेके गए। अब ये सब जानकर मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैंने टीम से कहा कि मैंने तुम्हें इस झंझट में फंसा दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मेरे साथ रहे तो तुम्हें खतरा होगा, मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर चले जाओ। ये कहकर मैं दूर चला गया। लेकिन वो जरा भी गुस्सा नहीं हुआ और कहने लगा, हम दोनों मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे। लेकिन मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। फिर टीम और लूसी शहर चले गए। टीम हॉवर्ड को सब कुछ बताना चाहता था। उसने लूसी से भी कहा कि वो इस न्यूज को फ्लैश कर दे, लेकिन रॉजर के ही चैनल पर वो रॉजर के खिलाफ कैसे न्यूज चला सकती थी। और तब वहाँ पेड़ की तैयारियां चल रही थी और बड़े बड़े बलून्स में गैस भरी जा रही थी। लूसी सिटी की मेजर को सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन एन वक्त पर रॉजर वहाँ आ गया और वो सब कुछ कह नहीं सकी। अब कट कर यहाँ टीम से जुदा होकर मैं सैड सॉन्ग गा रहा था। एक जगह पर पहुंचकर मुझे याद आया कि यहीं पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था। इसका मतलब है कि मीटो ने ही हमें बचाया था। तो फिर हमारा एक्सीडेंट किसने करवाया? अगर ये सब होलोग्राम में देखा जा सकता है तो हॉवर्ड ने ये बात हमसे छुपाई क्यों? और तब मुझे हॉवर्ड पर शक हुआ और लगा कि टीम की जान खतरे में है। उसे बचाने के लिए मैं भागा, लेकिन तब तक टीम हॉवर्ड के पास जा चुका था। दरअसल हॉवर्ड और रॉजर ने मिलकर हैरी को मारने का प्लान बनाया था। हॉवर्ड के सर पर न्यूरोलॉजिकल हेलमेट था जिससे वो म्यूटू को कंट्रोल करता है। हैरी को इस बात का पता चल गया था और इसलिए हॉवर्ड हैरी को खत्म करना चाहता था। हॉवर्ड ने ही हैरी का एक्सीडेंट करवाया था। और म्यूटो में ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो इंसान की आत्मा को पोकेमॉन के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए हॉवर्ड और रॉजर ने म्यूटो के शरीर से ऐसी गैस तैयार की जिससे इंसानों को भी पोकेमॉन जैसा बनाया जा सकता है। इस सेलिब्रेशन पैड का भी यही मकसद है कि वो गैस पूरी सिटी में फैल जाए। फिर बाप बेटा मिलकर सारे इंसानों की आत्माओं को पोकेमॉन्स के अंदर घुसाकर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकेंगे। अब हेलमेट पहनकर हॉवर्ड अपनी आत्मा को म्यूटो के अंदर ट्रांसफर कर चुका था और पेड़ के दौरान उसने सारे बलून्स के अंदर गैस निकाल दी और हर तरफ गैस फैल गई और इस वजह से कई लोगों की आत्मा उनके पोकेमॉन के शरीर में चली गई और अब ये हॉवर्ड की तरह कठपुतली बन चुके थे। और तब मेरी एंट्री हुई, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वहां पर हो क्या रहा था। और तब लूसी ने अपने पोकेमॉन के अंदर से मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे इस गैस को खत्म करना है। और मैंने अपना गेम शुरू किया और हर बलून को ब्लास्ट करने लगा। और यहाँ है कहानी का ट्विस्ट। टीम को वहाँ एक आवाज आई और जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर रोजर को बंद किया गया था। दरअसल रोजर अच्छा आदमी था और पोकेमॉन्स को बचाना चाहता था, इसीलिए उसे यहाँ बंद कर दिया गया था। लेकिन बाहर जो रोजर घूम रहा था वो कौन था? एक्चुअली वो डीटो नाम का एक पोकेमॉन था। वो जिसको भी देखता था उसी का रूप ले लेता था और इसी की मदद से हॉवर्ड ने बहुत कुछ प्लान किया था। वहाँ टीम डीटो की मार खा रहा था और यहाँ मैं मीटो के अंदर बैठे हॉवर्ड की मार खा रहा था। और टीम को बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी शक्ति से मीटो को अटैक किया। वहाँ टीम और रॉजर ने मिलकर डीटो को मार डाला था। मेरी शक्तियाँ खत्म हो गई थी और तब मीटो के रूप में हॉवर्ड ने पूछा कि तुम मेरा मुकाबला करोगे? मैं भी दहाड़ा कि तुमने शेर को फिल्मों में एनिमल प्लेनेट में सर्कस में देखा होगा, लेकिन किसी जंगल में शिकार करते हुए देखा है? बोलो, देखा है? वो कंफ्यूज हो गया कि ये पिकाचू कहना क्या जाता है। अरे बेवकूफ, मेरा डायलॉग इतना ध्यान से क्यों सुन रहा है? मैं तो सिर्फ तुमको डाइवर्ट करने आया था, असली काम तो वहाँ हो रहा है। ये कहकर मैंने टीम की ओर इशारा किया। टीम ने हॉवर्ड के सर से हेलमेट निकाला और हॉवर्ड की आत्मा मीटो के शरीर से निकलकर वापस हॉवर्ड के शरीर में पहुंच गई। फिर असली मीटो ने मुझे गिरने से बचा लिया और वहाँ टीम भी बच गया। और फिर इस तरह हॉवर्ड को अरेस्ट कर लिया गया। मीटो ने अपनी शक्ति से पोकेमॉन बने हुए इंसानों को उनका असली रूप दे दिया था और इस तरह हमने इस केस को भी सॉल्व कर दिया। तब मीटो ने टीम से कहा, तुम इतने दिनों से अपने पापा को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा हर पल तुम्हारे साथ ही हैं। ये सुनकर टीम का तो पता नहीं, लेकिन मेरी तो धड़कन ही रुक गई। अरे बाप रे, ये तो ट्विस्टों का बाप निकला। इसका मतलब मैं टीम का पापा हूँ। लीजिए ये खुला सस्पेंस। एक्सीडेंट के बाद मीटो ने मेरी मेमोरी नहीं मिटाई थी,
बल्कि पिकाचो के शरीर में मेरी यानी हैरी की आत्मा को ट्रांसफर कर दिया था। लो जी कर लो बात, मैं आपको ट्विस्ट वाला फ्लैशबैक सुना रहा था और मीटो ने मुझे ट्विस्ट बना दिया और फिर मैं पिकाचो की बॉडी से निकलकर असली रूप में आ गया। तो मैं हूँ हैरी और मैं ही आपको कहानी सुना रहा था। तभी मैं सोचूं कि मेरे पोकेमोन होते हुए भी मेरी बात सिर्फ टीम की समझ में क्यों आ रही थी। कई साल बाद मुझे मेरे बेटे के साथ इतने दिन रहने का मौका मिला और अब मुझसे अलग होने जा रहा है। ये सोचकर मुझे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन मैं उसको अपने साथ रहने पर बिल्कुल भी मजबूर नहीं करना चाहता। वो जो भी करना चाहता है मैं हमेशा उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन आखिर बेटा किसका है? उसने साफ कह दिया कि पापा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और अब मैं भी उसको एक काबिल डिटेक्टिव बनाऊंगा। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम बाप बेटे एक हुए और यह है हमारी कहानी। और मैं ही हूँ पोकेमोन डिटेक्टिव पिकाचो। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि इस पिकाचो की कहानी को हम इंटरेस्टिंग तरीके से बता सके। अगर हाँ और आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में और जो आपके दोस्त कार्टून वीडियोस देखते हैं उनको शेयर कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।